सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलएनटी के फोर पोल ब्रेकर को, जो कि हमारी टीम में, जैसे आप ये देख रहे हैं, मिस्टर रामाशंकर, मिस्टर राजकुमार एंड मिस्टर विकास झा। तो नाउ वी कैन प्रोसीड विद मिस्टर रामाशंकर। ओके, स्टार्ट करो। क्या क्या पार्ट्स है बताओ पहले आप। ये इसके फ्रंट कवर अभी हम खोल रहे हैं, ऊपर के कवर निकाल दिए। अभी ये देखो, ये स्प्रिंग चार्ज मोटर हो गया, इसके ये कनेक्शन हो गए। अब इसके हम लोग फ्रंट कवर हटा रहे हैं। चलो हटाओ आप इसको, थोड़ा अंदर अंदर की तरफ कर दो, स्पेस निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये हमारे स्प्रिंग चार्ज हैंडल है, ठीक है, ठीक है। आगे बताओ क्या क्या है। ये हमारा ब्रेकर डिस्चार्ज है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको चार्ज करेंगे। जोर से बोलना। ये स्प्रिंग चार्ज हो रहा है, ये मैनुअली, क्योंकि ब्रेकर अभी बाहर की तरफ है। एलएनटी में इसी टाइप से स्प्रिंग चार्ज होता है, ठीक है। अभी हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा। हाँ, एक बार ट्राई करो, ऑन करो। कॉइल लगी हुई है जो इसको ऑन नहीं होने देगी। वेरी गुड। ये देखो, ब्रेकर जो है वो ऑन नहीं हुआ, ठीक है। देख रहे होंगे यहाँ पे दो कॉइल है, ये है हमारा शंट कॉइल, ट्रिप कॉइल, ये है अंडर वोल्टेज कॉइल। इस अंडर वोल्टेज कॉइल, ये जब तक लगा हुआ है ब्रेकर में, तब तक ब्रेकर क्लोज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको ऑन करने का, ऑन करना। ये देखो, ब्रेकर क्लोज होके फिर से ओपन हो गया, वो इसकी वजह से, ये ट्रिप कॉइल की वजह से। अभी मैं इसको जल्दी से आपको बाईपास करने, ये दिखाता हूँ कि इसको बाईपास कैसे करना है। तो अभी देखो, मैं स्प्रिंग चार्ज कर लिया हूँ। अभी मैं इसको यूवी कॉइल को बाईपास कैसे करना है वो देखो। यूवी कॉइल का फंक्शन क्या है ना, कि इसमें जब पावर रहती है तो ये प्लंजर जो है ये पीछे की तरफ पुश रहता है। अगर इसकी पावर नहीं है तो ये हटा रहेगा, जिसकी वजह से ये ब्रेकर क्लोज नहीं होने देगा। तो हमको मैनुअली इसको पुश करने के लिए एक छोटा सा पेपर, देखो इस टाइप से हमें ये पेपर फंसाना होगा। ये अब देखो, अब ये ब्रेकर की जो ये यूवी कॉइल है वो बाईपास हो गई। अभी हम ब्रेकर को क्लोज करेंगे, तो ये देखो क्लोज हो गया, मतलब ऑन कंडीशन में आ गया। अब जैसे ही मैं ये पेपर को निकालूंगा, ये जो है एसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगा। ये देखो, तो ये फंक्शन है अंडर वोल्टेज को बाई